हेलो भाई, मैं हूँ सौरभ नागर और आज हम रिव्यू करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन का। अब टाटा नेक्सॉन का कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, इसके बारे में कुछ ब्रीफ में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। फ्रंट लुक को आप देखोगे बहुत बोल्ड लुक आती रहा। इसके जो सेंटर में जो ग्रिल आती है एकदम थोड़ा नेक्सॉन ईवी जो आती है ना बिल्कुल उसी की तरह लगती है देखने के लिए। बाकी अपनी गाड़ी एक ग्रीन कलर है, मेरे को कलर का नाम याद नहीं, वो आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर दूंगा। बाकी उसके बात करते हैं फ्रंट लाइट की। फ्रंट लाइट में आपको देखोगे यहाँ पर दो डुअल कॉन्सेप्ट मिल जाता है, एक आपका प्रोजेक्टर आता है, बाकी एक अपने नॉर्मली है। यहाँ पर आपको साइड में इसका DRL मिल जाती है। अब जैसे ही नीचे आओगे आपको नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैंप में हेलोजन ही मिलता है, बाकी सेंटर में आपको वही अपना ग्रिल आ जाती है। अब इसके मॉडल की अगर आपको बताऊँ तो भाई अपना XZ है और ये 2022 का अपना वेरियंट होने वाला है। अब एक बार गाड़ी की साइड प्रोफाइल पर चढ़ते हैं और देखते हैं साइड प्रोफाइल कंपनी क्या क्या फीचर्स हमको प्रोवाइड कर रही है। साइड प्रोफाइल पर सबसे पहले आने के साथ ही हमको यहाँ पर डुअल वो डायमंड कट में अपने एलॉयज मिल जाते हैं। एलॉयज की जो प्रोफाइल है वो है अपना 215/60R16 इंची की अपने कंपनी टायर प्रोवाइड कर रही है जो अपना गुडियर के हैं। बाकी अब जैसे ही हम ऊपर की तरफ आएंगे ऊपर को आप देखोगे आपको यहाँ पर ORVM पर ही इंडिकेटर मिल जाते हैं। साथ ही अपना जो अपना ORVM है वो अपना ब्लैक ग्लॉस में आता है जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। बाकी यहाँ पर कोई सेंटर यहाँ पर साइड में आपको क्रोम पार्ट नहीं मिलता है, एक वाइट कलर का कुछ पार्ट्स आता है प्लास्टिक में। बाकी हम जैसे ही बैक साइड पर जाएंगे गाड़ी की बैक लुक आप देखोगे यहाँ पर आपको बीच में ही पार्किंग कैमरा मिल जाता है। जैसे आप नीचे देखोगे नीचे आपको तो पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, बाकी यहाँ पर पीछे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बूट को अनलॉक करने के लिए। अब जैसे बात करते हैं गाड़ी के रूफ की, रूफ में आपको सेंटर में शार्फिन एंटीना मिलता है, दो रूफ रिल्स मिल जाती है कंपनी से ही। बाकी बैक में आपको डिफॉगर अपना आपको रियर वाइपर मिल जाता है। बात करें इसके बूट स्पेस की, बूट स्पेस मैं आपको दिखा दूंगा कितने लीटर का अपना स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगी वो सब चीज़ें। बाकी अगर वैसे प्रैक्टिकल बात करें तो इजीली इसके अंदर आपके दो बड़े लगेज आ सकते हैं और बाकी छोटा मोटा अपना सामान इजीली आ जाएगा इसमें। चलो भाई एक बार गाड़ी में अंदर चलते हैं और गाड़ी अंदर को सारे फीचर्स दिखाता हूँ। भाई अपना गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, सबसे पहले बात करते हैं देखो गाड़ी के इंटीरियर की। इंटर आप देखोगे आपको डुअल टोन में मिलता है व्हाइट और ब्लैक में। व्हाइट में आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, व्हाइट में आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने थोड़े अलग से यूनिक से डिजाइन दे रखा है, थोड़े 3D पैटर्न में जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। बात करते हैं कार की, कार की में आप देखोगे वही आपको मिलता है लॉक और नीचे अनलॉक का, बाकी यहाँ पर आपको लाइट्स ऑन करने का बूट ऑन का बटन मिल जाते हैं साथ ही। अब बढ़ते हैं इसके MID की तरफ। MID में आप देखोगे आपको पूरा डिजिटल मिलता है जो देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। सारे अपना लाइट्स वगैरह वार्निंग सब कुछ आ जाता है इसमें, हीट का और ऑयल कितना है अपनी गाड़ी में। बाकी भी जैसे आप उसका स्टीयरिंग देखो, स्टीयरिंग बहुत ही प्यारा दिया गया है। यहाँ पर सेंटर में आप देखोगे ये सब चीज़ें अपना ग्लॉस पियानो फिनिश में जो देखने में बहुत ही प्यारा, मतलब कि कहते हैं ना कि थोड़ी यूनिक सी लगती है ये सब चीज़ें ही। बाकी सेंटर में अपना वही अपना टाटा का लोगो आ जाता है, बाकी इधर अपने सारे मीडिया से कंट्रोल आ जाते हैं। और जैसे आप ड्राइवर साइड डोर पैनल देखोगे यहाँ पर भी आपको वही अपना डुअल टोन में मिलता है, पर ये साइड में चीज ये फैब्रिक अपनी आ जाती है। यहाँ पर अपना सारा वो पावर विंडो से कंट्रोल है, पर आप यहाँ पर देखोगे आपको यहाँ पर ORVM के बटन्स नहीं मिलेंगे, वो आपको बिल्कुल यहाँ पर ही आगे मिल जाते हैं जो थोड़ा एक अलग चीज है। मतलब और गाड़ियों में सबको यही मिलते हैं बट इसमें आगे आते हैं। आप बढ़ते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल में। सेंटर कंसोल में आप देखोगे आपको इन्फोटेनमेंट अपना हरमन कंपनी का मिल जाता है जो अपना पूरा टच है। बाकी उसी के नीचे आपको अपना आपका नेक्सॉन की बैजिंग मिलती है और ऊपर आपको AC के वेंट मिल जाते हैं। अब जैसे नीचे देखोगे नीचे आपको इसमें सारे अपने AC के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इसी के नीचे आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलता है। ये थोड़ा चीज मेरे को बेकार लगी, बस आपको यहाँ पर एक मतलब चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पर वही अपना 6 गियर का ट्रांसमिशन मिलता है, इसमें रिवर्स भी आपको पीछे ही मिलता है। बाकी अपने अपने आपको सारे मोड्स मिल जाते हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट्स। वैसे भाई अपना डीजल कार है, पर डीजल कार में भी टाटा ने काफी अच्छी चीज करी है, अपने मोड दिए हैं सारे। बाकी आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिसेंट सा स्पेस मिल जाता है और यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिल जाती है अपनी। आर्मरेस्ट पर आप देखोगे अपना फैब्रिक सा कुछ कपड़ा दिया गया जो देखने में मतलब सही नहीं है, क्योंकि ऐसा इसमें बहुत ज्यादा हाथ लगता है, बहुत ज्यादा गंदा होता है। बाकी अपना देखोगे इंटीरियर गाड़ी का वही अपना व्हाइट ब्लैक में है पूरा। रूफ में आपको अपना यहाँ पर लाइट मिल जाती है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस मिल जाता है सनग्लासेस के लिए। बाकी यहाँ पर आपको माइक मिलता है। बाकी आप मैं इसको ग्लव बॉक्स दिखाता हूँ। भाई ग्लव बॉक्स में देखोगे आप खोलने का बड़ा यूनिक वे, आप जैसे ही बटन को प्रेस करोगे आप ग्लव बॉक्स खुल जाता है। भाई ये बहुत बड़ा है, मतलब आप इजीली भाई अपना डिनर भी इसमें कर सकते हो। आगे यहाँ पर दो कप होल्डर मिलते हैं, बाकी बहुत बड़ा ग्लव बॉक्स है। बाकी आगे आपका थोड़ा पर डॉक्यूमेंट के लिए देखो काफी स्पेस मिलते हैं और अपना कूल ग्लव बॉक्स है। बाकी यहाँ पर लाइट भी मिल जाती है। एक बार मैं आपको उसको रियर स्पेस दिखा देता हूँ भाई अपना आगे से। रियर स्पेस में आप देखोगे बहुत पीछे जगह मिल जाती है इजिली। बाकी अपना वो ये सारा अपना पियानो फिनिश में। और स्पीकर की अगर मैं बात करूँ तो इसमें भाई अपना हरमन का इन्फोटेनमेंट है, तो अपना JBL के इसमें स्पीकर आते हैं। अपना आगे देखोगे आपको आगे कंपोनेंट ऊपर अपना ट्विटर मिल जाते हैं, बैक साइड में भी आपको वही सेम मिलता है। बाकी तो देखो भाई गाड़ी टाटा ने काफी अच्छी बना रखी है। यहाँ पर आपको पीछे आर्मरेस्ट भी मिल जाता है गाड़ी में आप देखोगे, और पीछे अपना पार्सल ट्रे वगैरह सब कुछ आ जाती है।
नो डाउट गाड़ी तो काफी अच्छी टाटा नेक्सॉन, अगर भाई आपका बजट है अपने 8 लाख से 15 लाख के बीच में तो भाई आप डेफिनेटली जा सकते हो टाटा नेक्सॉन के लिए, भाई मेरी पूरी पूरी चॉइस रहेगी। पर हाँ एक चीज बड़ा ड्रॉबैक है इसमें कि जो इसका जो डीजल इंजन भाई इसमें वाइब्रेशन बहुत और बहुत ज्यादा साउंड करता है। तो भाई कमेंट करके जरूर बताना आपको टाटा नेक्सॉन का ओनरशिप रिव्यू कैसा लगा। तो भाई इस वीडियो में यही था, वीडियो को कर देना लाइक कमेंट शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।